चुनावी साल में कांग्रेस के भाजपा शासनकाल के विकास कार्यों और योजनाओं पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में भाजपा ने पिछले 20 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को जारी करने का अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को सांसद गजेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता लेकर प्रदेश में भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज योजनाओं की उपलब्धि साझा करते हुए कांग्रेस को झूठे वादों और घोटालों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के 20 वर्ष सेवा, अनुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के माध्यम से गरीबों का जीवन बदल रहा है। इन योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। सूबे में 2003 से अब तक भाजपा की सरकार ने लोगों के हित में काम किया है। सूबे के विकास की नींव रखी गई है। सांसद ने विधानसभा चुनाव के लिए महेश्वर में राजकुमार मेयो के प्रत्याशी घोषित होने पर हो रहे विरोध पर कहा कि यह घोषणा केंद्रीय समिति ने की है। भाजपा अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी साथ मिलकर चुनाव में काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मुझे लगता है कि आप सब लोग जानकारी पिछले 20 साल मेरे काम खरगोन देखे, 20 साल पहले काम कसलावा देखे, 20 साल पहले का हम महेश्वर देखे, उसका आपने बहुत परिवर्तन है। एक बार दूसरा था कि उद्योग क्षेत्र में हमारे यहाँ बिल्कुल खुला ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार का। जमीनों के आवंटन उद्योग धंधे खोलने का अनुबंध कराया। जितने भी छोटे लघु उद्योग हो या बड़े उद्योग, ये सब मेगा फूड पार्क बड़ा उद्योग है, उसमें जॉइंट गवर्नमेंट के साथ कार्यकर्ताओं के बीच जुमाजक की जैसा माहौल देखने को मिला। मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति में हमारे खरगोन से दो प्रत्याशी हमारे घोषित हुए हैं। निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति ने सभी प्रकार के विचार विमर्श करके हमारे प्रत्याशी घोषणा करी है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कार्यकर्ता लगने वाले हैं। ये जरूर होता है कि टिकट मांगने वाले 4-5 लोग रहते हैं, मिलता किसी और एक को है, परंतु सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम कर रहे हैं। अनुशासन की दुहाई देती है भाजपा, लेकिन जिस प्रकार से पुतला जल रहा है लगातार कार्यकर्ताओं का आपस में भिड़ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक वाली पार्टी है। हम लोग कार्यकर्ता आधारित पार्टी काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, खेत में काम करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और इसलिए यह है कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी। और निश्चित तौर पर हम अनुशासन की बात भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन चलता भी है और इसलिए जो भी बातें आती है उस पर पार्टी बातचीत भी करती है। संवाद हमारा चल रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं में अगर कोई बातचीत है तो उस पर हम संवाद भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर वो सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी कि अनुशासन जो तोड़ रहे हैं उनका कार्रवाई? नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के काम में लगने वाले। टिकट बदलाव होगा, मांग रहे हैं टिकट बदलाव। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया और इसलिए सभी निर्णय हमारी केंद्रीय चुनाव समिति लेते हैं। एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।